नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जनता को एक नए सीएम की उम्मीद है, क्योंकि इस बार भी राजस्थान में रिवाज ही कायम रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। इसी बीच बीजेपी दल से सीएम पद के कई दावेदार नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा हाईकमान का फैसला सीएम को लेकर, या यूं कहें कि हाईकमान किसे सीएम पद के लिए चुनेगा, इस बारे में तो कोई अभी हाल फिलहाल कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बात करें हम कांग्रेस की, तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद और सरकार गंवाने के बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर 11 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस की हार के बाद पहले विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बैठक में पार्टी की अगल रणनीति पर मंथन होने के साथ हार का मुद्दा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता निशाने पर रह सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस में जब सरकार के रहते विधानसभा चुनाव होता है तो उसकी हार जीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। गहलोत के साथ गारंटियों का मुख्य प्रचार हिस्सा बनाया गया था, ऐसे में अब हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर आएगी। इस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन का फैसला भी हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से एक दिन पहले सचिन पायलट ने हार पर सवाल उठाते हुए इस पर मंथन करने का मुद्दा उठाया है। बता दें कि पायलट ने कहा है, हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। अब इसके कारणों को तलाशना तो होगा ही। जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने बहुत मेहनत की, हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से हमारे लिए यह चिंता का विषय है। हर बात हम सरकार बनाने के बाद उसे रिपीट नहीं कर पाते हैं, इस बार दोबारा फिर वही हुआ, इस बात का दुख हम सबको है। फिलहाल के लिए जनता दरबार में इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ, अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।